वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक नई उम्मीद के साथ आपकी एक नई क्लास। जी हाँ, जल्दी से आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको। और हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि होगा संख्या पद्धति का। और ये ट्रिक होगी नेचुरल नंबर पर बेस्ड, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपने देख लिया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत देख लिया था। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और सम संख्याओं के घनों का औसत, विषम संख्याओं के घनों का औसत निकालना। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक कुछ हम लोग इस प्रकार की प्रयोग करेंगे। n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान फोर, ये आप लगाएंगे और माना जाएगा। अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है कि अभ्यर्थियों को सब कुछ आता रहता है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो सवाल लगाने में ज्यादा देर लगाते हैं। जी बिल्कुल, 10 सेकंड में आप इसे कर सकते हैं। चलिए रखते हैं मान, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ऑप्शन है 301, 302, 302.5 या नॉन ऑफ दीज। मान रख देंगे 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, n की जगह पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10^1 होल स्क्वायर बटा 4। हल कर लीजिए आगे करके, ये 10 से जब काटेंगे ना बाबू 4 को, तो ये 2.5 आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये इस तरह से आता है, 10 में भाग करिए 2 से, 2 × 5 = 10, ये तो कट गया आसानी से ना, लेकिन 4 से काटना था, इसको 4 से भाग करिए, 4 से करेंगे देखिए 4 × 8 घटाने 2 आएगा ऊपर 0.5, फिर 4 × 5 = 20, 2.5 आता है। और ये जुड़ जाएगा 10 × 1 = 11, यानी कि 11 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये 2.5 ऐसे रहेगा और ये 11 का स्क्वायर मतलब 121। इसी को आगे हल कर लेंगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कृपा करके आप लोग क्लास के टाइम पे फोन कॉल ना करें, ये हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी। आगे चलें, इसको गुणा कर लीजिए, 25 का पहाड़ आप सभी को आता है, 25 × 25 के 5 हंसी लाया 2, 25 × 2 = 50 तो 52 है ना। 25 × 25 5 हासिल है 2, 25 × 2 = 50 तो 52 हासिल 5, 25 × 25 = 5 = 30, 1 अंक पर 0.5 लगा देंगे, ये हो जाएगा 302.5। आंसर हो गया, कितना आसान था। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह का आप एक सवाल और बताएंगे, वो कौन सा सवाल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हो गया ना, अगर आपसे यहीं पे 15 पूछ ले तो इसका कमेंट अवश्य करिएगा। दूसरा सवाल 15 का बताइएगा, अवश्य जरूर बताइएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे सम संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 40 सम संख्याओं के घनों का औसत आपने अभी देख लिया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब हम देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत, फिर हम देखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत। ये ट्रिक लगाएंगे सिंपल सी, आप आधा मिनट के अंदर निकाल लेंगे। देखिए, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, इसके लिए आप 0 लेवल की क्लास अवश्य देखें, जो कि होती है 7:00 PM। तो ट्रिक लगाएंगे, इसमें से ऑप्शन जो दिए गए आप कमेंट कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संध्या राजभर जी बिल्कुल आपका राइट, विवेक कुमार, सौरभ अग्रहरी, प्रियांशु, शिखा चतुर्वेदी, आप लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी ट्रिक में मान रख देंगे तो हमारा जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। एन का मान रखेंगे 40, क्योंकि 40 की बात हो रही है, और ये हो जाएगा 40^1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये बन जाएगा 2^40, ये 41 × 41। क्यों दो बार आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 40 में एक जोड़ेंगे 41 होगा, होल स्क्वायर लगा इसलिए दो बार गुणा हो जाएगा। मैं आपको गुणा करने का तरीका बता दूं, ये 40 × 80 हो जाएगा, इसका मैं गुणा करना आपको सिखा दूं, 41 का गुणा 41 में कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक के लिए आप कमेंट करिएगा, आपको गुणा की ट्रिक बताएंगे। यहां पर तो हम सिंपल में कर दे रहे हैं, 41 × 41 के 1 हासिल आएगा 4, और 41 का 4 में गुणा करेंगे, जानते हैं कितना होगा,
41 चौका कितना होता है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164। अगर पहाड़ा नहीं आता तो कमेंट करिएगा, 164 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 168, यानी कि 1681 आ जाएगा ये 1681। बहुत आसान है इसको गुणा करना, यहाँ पे आप जीरो उतार लीजिए जो जीरो दिया गया है, जीरो में से 8 का गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 2 64 ना फिलहाल 6, 8 6 48, 6 54 कितना आया, हासिल आया 5, 8 एकम 8 5 13, मतलब 134480 आ गया, 134480, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर जॉब करने की चाहत है ना बाबू तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ये देख के डर नहीं लगना चाहिए कि बड़ा बड़ा है ये लाखों में आ रहा है, जब डर लगेगा बड़ा बड़ा ना तो ऐसे बड़ा बड़ा फिर हो जाएगा सब, ठीक ना, इसलिए छोटा बड़ा ना देखें, बस केवल हल करना देखें कैसे करते हैं ये समझें। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट आगे। आगे देखिएगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का औसत, देखिए आपने देख लिया प्राकृतिक संख्याओं का, देख लिया सम संख्याओं का, देख लिया अब विषम संख्याओं का देख लीजिए, घनों का औसत आ जाए चाहे जिस प्रकार की संख्या का आए, इसका ट्रिक अलग होगा, नोट कर लीजिए ट्रिक, फटाफट मान रखिए आपका उत्तर आपके सामने अपने आप आ जाएगा दौड़ के। 20 की बात हो रही है, अंक की जगह पे 20 रखिए, 2 × 20 का होल स्क्वायर -1, यहां पे आप कोष्ठक छोटका वाला नहीं लगाएंगे, मझलका वाला लगाएंगे, ये हो जाएगा ऐसे, और 2 × 400 - 1, अब आप क्या करेंगे इसमें से कटाएंगे 800 हो जाएगा, अरे बाबू ये 800 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 7 = 9, है ना, ऑप्शन है इसमें से कोई सही, नोट कर लीजिए ऑप्शन आपके मिल जाएंगे अपने आप, जीरो उतार लीजिए, 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 × 18 हासिल 1, 2 × 18 = 19, 9 हासिल आया 1 × 2 = 14 = 15, 15980, है ना, कर लिए नोट, आगे चलें, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है सब कुछ, मस्त है, जल्दी से लिख लें। अगला सवाल एक नजर में देख लीजिए, तीनों एक नजर में देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, विषम संख्याओं के घनों का औसत का ट्रिक होता है n × 2n का होल स्क्वायर, यानी कि 2n² - 1, सम संख्याओं के घनों का औसत का ट्रिक होता है 2n × n+1 का होल स्क्वायर, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है यानी कि औसत होता है n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये तीनों ट्रिक एक बार में आज हमने देख लिया, इस पे कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, अब आप लोग हमें क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से नोट कर लें, हो गया ना, नहीं कर पाए तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, हमने आपको पूरे के पूरे 40 सेकंड से ज्यादा दिए थे, अब आप लोग ये सवाल बताएंगे जल्दी से। प्रथम डॉट डॉट प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये आपको निकालना है कितना, क्वेश्चन इसमें पहला है, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आप बताएंगे इसमें 35 भर के, ये सवाल बन रहा है आपके लिए। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसको करके लाइएगा, ये सवाल नंबर पहला है आपके होमवर्क के लिए। दूसरा लिखिए, प्रथम 45, 20 एवं 18 सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग, ये आप करके लाएंगे इसी ट्रिक पर, तीन सवाल है इसमें, पहले आप प्रथम 45 सम संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे, फिर प्रथम 20 सम संख्याओं के घनों का योग, फिर 18, ट्रिक जो मैंने बताया वही लगाएंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए, अगर आप होमवर्क करेंगे तो बहुत अच्छे हैं और आपका अभ्यास हो जाएगा। प्रथम 8 विषम संख्याओं के घनों का योग और प्रथम 12 विषम संख्याओं के घनों का योग,
प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का योग, ये आपके लिए 3, 3, 6, 2, 8, 9 सवाल हो चुके हैं, इनको करके लाइएगा। करेंगे ना, हल करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा, बिल्कुल चेक किया जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट सलूशन बताया जाएगा। कोई भी दिक्कत है निसंकोच बोले, हर दिन क्लास करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें। आपकी RRB, टेट सीटेट और जो भी वनडे एग्जाम है, SSC की, जेल वार्डन, पुलिस, इन सभी परीक्षाओं का कंप्लीट मैथ आपको मिलेगा और बाकी भी सभी जल्दी ही उपलब्ध होने वाली है आपके लिए। थैंक यू बहुत बहुत आपको। 9:30 बजे से देखिएगा DLED की थर्ड सेमेस्टर क्लास और 10 बजे से देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर। आज ही DLED में आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि DLED APTC वाले ही देखें, आप लोग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहां भी हम इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्योंकि वहां पे इन लोगों को बेसिक ही सीखना होता है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को लाइक कर दीजिए तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हर दिन क्लास चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में 9:30 बजे से, याद रखिएगा 9:30 बजे।